सरायकेला में हार्डकोर नक्सली प्रशांत दागे दस्ते से हुई मुठभेड़। एसआई और कोबरा बटालियन का जवान शहीद। चार नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर। पुलिस का दावा, सर्च ऑपरेशन में मिला 1 किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा नक्सली कैंप। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद जवानों को रांची में दी गई आखिरी सलामी। सीएम रघुवर दास समेत कई लोगों ने दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। डीजीपी बोले, बेकार नहीं जाएगी शहादत। गिरिडीह पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नक्सलियों के 4 बंकर ध्वस्त किए और भारी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक बरामद किया है। लातेहार में 5 लाख के इनामी नक्सली वीरेंद्र यादव ने किया आत्मसमर्पण। सरकार की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर लौटा वापस। जमीन विवाद के बाद बना था नक्सली। झारखंड में भूख से मौत के मामले में सियासत जारी। कांग्रेस ने ट्वीट कर रघुवर सरकार के बयान को बताया शर्मनाक। तो बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए दिया जवाब। कहा, राहुल गांधी की पार्टी ने झूठ बोलने में की PhD। जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने प्रदेश में भूख से हो रही मौत को लेकर राज्यपाल के नाम लिखा एक खत। जीएमएम जिलाध्यक्ष ने इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। नमो ऐप के जरिए जनता से फिर सीधे जुड़े पीएम मोदी। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से हुए रूबरू। धनबाद और रामगढ़ के लोगों से की बात। सरकार ने बीमारी में होने वाले खर्च को किया कम। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चतरा में भी लोगों ने लाइव सुना। उपायुक्त कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम चतरा के लाभुकों से हुए मुखातिब, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बावजूद लोगों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। रामगढ़ वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बड़गांव जंगल से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक कल ही ससुराल आया था, जिसकी 10 माह पहले शादी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खूंटी के मरहू में लुदमकेल में PLFI के उग्रवादियों ने निरल उड़ैया की गोली मारकर हत्या कर दी। वर्दी पहनकर लुदमकेल पहुंचे बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने सो रहे निरल उड़ैया को उठाया और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मौके पर ही निरल की मौत हो गई। साहिबगंज में अज्ञात हमलावरों ने कुख्यात अपराधी मुन्ना मंडल की हत्या। चिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के चानन गांव के पास बाइक सवार 6 हत्यारों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस के मुताबिक मुन्ना मंडल पर थे कई आपराधिक मामले दर्ज। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 23 दुम्बो मंदिर के पास बाइक और ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में मलगो भरनो गांव के एक युवक की मौत हो गई। हादसे के पीछे ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना कारण बताया जा रहा। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र के ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर जीहू मोड़ से गिट्टी लेकर आ रहा था। तंगहाली में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं बूढ़ा पहाड़ से वापस लाए गए ग्रामीण। पंचायत भवन में फैला है अव्यवस्था का आलम। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी। कुल्हान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कुलपति कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। कर्मियों ने राज्य सरकार से अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर शिक्षा मंत्री का घेराव कर आंदोलन की चेतावनी दी। धनबाद में पीने के पानी की बहुत किल्लत है। आक्रोशित लोगों ने मुख्यमंत्री समेत नगर निगम और जिला प्रशासन के तमाम वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिखकर सामूहिक आत्महत्या करने की धमकी दी। राजधानी रांची समेत राज्य के 77,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने हड़ताल को किया खत्म। विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे से वार्ता के बाद हड़ताल ली वापस। 2 दिवसीय जमशेदपुर दौरे पर सूबे के मुखिया सीएम रघुवर दास गुरुवार अपने मित्र की मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। स्वर्णरेखा बर्निंग घाट में शव का अंतिम संस्कार हुआ। झारखंड में इंटरमीडिएट के साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। साइंस में दीपक कुमार ने किया टॉप, तो कॉमर्स में रांची की नायाब आरजू बनी स्टेट टॉपर। 3-4 दिनों बाद जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट। रघुवर सरकार राज्य की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी सुविधा देने जारी है। रिम्स में जल्द ही ओपन हार्ट सर्जरी का इलाज शुरू हो जाएगा। जर्मनी और मिस्र से आए इंजीनियर दिन रात काम में जुटे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 1 महीने में